दोस्तों, अगर पहले का समय का लिया जाए और आज के समय का लिया जाए तो पहले और अब में बहुत बदलाव हो चुका है और आज की फिल्में और आज के बॉलीवुड की इंडस्ट्री को लोग बाइकॉट करने में लगे हुए हैं। और इसका रीज़न भी यह है कि आजकल की जो फिल्में आती हैं ना, वो खासकर सभी के दिलों को ठेस पहुँचाती हैं। उसमें कहानी ही कुछ ऐसी रहती है और किरदार भी कुछ ऐसे रहते हैं कि जो लोगों के दिल को ठेस पहुँचाकर चली जाती हैं। और यह वजह है कि आज की फिल्मों को बाइकॉट किया जाता है। लेकिन एक समय था जब मिथुन चक्रवर्ती का जलवा बरकरार था और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल बॉलीवुड सुपरस्टार, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने फिल्मों में एंट्री की और बहुत बड़े बड़े नाम भी कमाए। लेकिन वो अंदाज, वो तरीका जो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने समय में निभाया था और जो करके दिखाया था, वो आज के एक्टर शायद सोच भी नहीं सकते हैं। आज के एक्टर की बात छोड़िए, 90 के दशक में जो एक्टर कदम रखे थे, शाहरुख, सलमान या फिर आमिर, अक्षय, ये सब लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ चुके। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हैं जिनको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो तमाम फिल्में करने की हो या फिर तमाम फ्लॉप फिल्में करने की हो या फिर नेशनल अवार्ड जीतने की हो या फिर साल भर में सबसे ज़्यादा फिल्में देने की हो या फिर पहली फिल्म का बम्पर ओपनिंग करने का हो। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के वो अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म डिस्को डांसर से पहली बार 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था। हालांकि आज के समय में भले ही आप इसे आम बात समझेंगे, लेकिन 80 के दशक में जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर आई थी, उस समय इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये कमा लिए थे। और उस समय 100 करोड़ कमाना कितनी बड़ी बात हो सकती है, ये आप खुद सोच सकते हो। और यह उस समय का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बन गया था जो कि मिथुन चक्रवर्ती का देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत ही लोकप्रियता हासिल हो गई थी। और आज के समय में तो शाहरुख, सलमान, आमिर बस एक्टर हैं, लेकिन मिथुन जैसी टक्कर आज तक कोई दे नहीं पाया है। बहरहाल, क्या लगता है आपको, कोई टक्कर दे पाएगा या फिर कोई लगता है कि 1982 के मुकाबले जिस तरीके से डिस्को डांसर ने बम्पर ओपनिंग की थी और एक ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी, क्या कोई तोड़ पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपको ये बता दें कि द कश्मीर फाइल जब आई थी अभी फिल्म, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं उठी थी और कहा गया था कि लगातार फिल्में फ्लॉप जा रही हैं तो ये कहाँ चल पाएगी। लेकिन 15 करोड़ के मात्र बजट में बनी इस फिल्म ने इतने बड़े रिकॉर्ड बना दिए कि ये भी ऑल टाइम फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन आज भी बॉलीवुड की जितनी फिल्में आती हैं, सब के सब लगातार फ्लॉप जा रही हैं। चाहे फिर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो या फिर अक्षय कुमार की बच्चन, पांडे, पृथ्वीराज चौहान हो, ये सभी फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही हैं। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती का जलवा तो आज भी बरकरार है और इसीलिए कहे जाते हैं सभी एक्टरों के बाप।